नमस्कार, मैं एंकर राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आज अपने YouTube चैनल थिंग्स अप टीवी में। और सबसे बड़ी, और आप देख रहे हैं हमें अभी इस वक्त YouTube चैनल थिंग्स अप टीवी और साथ ही साथ हमारे Facebook पेज पे भी आप हमें इस पेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों का, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। और आज हम बात करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे उम्दा स्टार कह सकते हैं, एक ऐसे छोटे उम्र में एक अच्छा, उन्होंने अपना एक अलग नाम, एक अलग पहचान कमाया है। इसलिए लगातार हम एक ऐसे जगह की, एक ऐसे मिथिलांचल जो एक जगह है, वहाँ के जो भी स्टार्स हैं उनसे बातचीत रूबरू होते हैं। तो आज हम अगले अपने एपिसोड के अंदर लेके आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्टार है। स्टार हम कह रहे हैं, लेकिन आप उनको गाने का जो इनका बोल है, गाने का जो इनका स्टाइल है, गाने का जो एक लुकअप देते हैं, वो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, स्टार तो वाकई स्टार है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट से दे देना चाहता हूँ, इसलिए इनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि मैथिली में, एक मैथिली का लैंग्वेज है जो कि अभी आप लोगों ने देखा अगर सोशल मीडिया साइट पे, तो 6000 साल जो पुराना एक शिला आया है उसी जगह से ये बिलोंग करते हैं, मिथिलांचल, जो कि सीता मैया के लिए, आगे हम बहुत सारे लोग उनको सीता मैया मानते हैं, लेकिन जो वहाँ के वासी है वो दरअसल उनको सीता बहन मानते हैं। इसलिए कि उनका जो उनका एक रिलेशन है, राम जी को हम लोग प्रभु जी बोलते हैं, लेकिन वो लोग राम जी को गाली तक देने का भी अपना संबंध रहता है, इसलिए कि उनका बहनोई और साले का जो संबंध है वो चीज़ है। तो आइए हम वहीं के स्टार से मिलाना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका, सबसे पहले तो संजीत जी आपका स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले अपना दीजिएगा। तो सबसे पहले जितने भी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को प्रणाम। तो जैसे कि आप हमें देख पा रहे थे कि हम संजीत जी के, और देखिए इनसे कुछ स्पेशल बातचीत होगी, और जो कुछ भी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आगे नेक्स्ट टाइम कभी भी उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका जानते हैं कि जो इनका संगीत है, इनका सफ़र का शुरुआत हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले आप बताना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से आपके लाइफ में संगीत का एंट्री होता है, वो रीजन क्या था और कहाँ का एक ऐसा आपका होता है ना, एक घटना घटती है उसके बाद हम संगीत लाइन में, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता था, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ से आप संगीत लाइन में आने की मन बनाया, या फिर जो कुछ भी था आपका? ये हमारा तो प्रयास रहा है यही कि मतलब हमें बचपन से ही शौक था इस लाइन में आने का, मतलब यही। तो कुछ आर्थिक वजह से, वजह के कारण हम घर पे नहीं किसी को बोलते थे, जो भी किए आज जो भी इनकम कंपनी का ऑनर है उनके बदौलत, तो उन सबसे बात किए तो भैया बोले तो फर्स्ट हम हमारा आया था ये सीतामढ़ी। अच्छा, तो सीतामढ़ी आपके मिथिलांचल में ही जगह पड़ता है? जी जी, मिथिलांचल में पड़ता है, जो कि सीता माता का घर है वहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे सीता जी का, बिल्कुल आप जैसे नाम से भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि सीतामढ़ी और सीता मैया हम लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे जो वहाँ के हैं वो ऑलरेडी उनको सीता बहन मानते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि सीतामढ़ी में आपका वो पहला गाना का हुआ, तो पहली बार का आपका जो फीलिंग था जब आपको घर से परमिशन आपने लिया था, या फिर आप पहले चोरी छुपे करते गए उसके बाद फिर आपने सिंगिंग लाइन में फिर आने का वो किया? नहीं, ऐसे तो घर से परमिशन था ही, मतलब घर से सारा सबको मालूम था कि हाँ, तो उसके बाद ही घर के सपोर्ट से ही गया। अच्छा, तो घर से आपको कभी भी मतलब कि रोक टोक नहीं मिला कि नहीं इस लाइन में नहीं जाना? इसलिए बहुत सारे लोगों का मन होता है कि नहीं नहीं आप जैसे सिंगिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी आपका प्रोफेशन होता है, तो वहाँ से सपोर्टेबल नहीं होता कि नहीं आप इस फील्ड में नहीं जा सकते, तो वैसा कुछ रोक टोक था क्या आपके घर से? जी ऐसा नहीं था, कुछ दिन था, लेकिन फिर समझा मतलब परिवार, तो फिर अभी पूरा साथ में। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपका नाम संजीत सहनी है, तो अपना फैमिली बैकग्राउंड में जैसे म्यूजिक लाइन से कोई जुड़े हुए थे, या फिर क्या कैसे था आपका? नहीं, आज तक कोई नहीं था, फर्स्ट हम ही आए। अच्छा, पहली बार आप आए म्यूजिक लाइन में, तो जैसे आपका जो मन बना जब आप सीतामढ़ी में गए, तो फिर वहाँ पे जो, इसलिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी था, तो फिर उस टाइम पे क्या चीज़ है और कहाँ से आपने जुगाड़ किया जहाँ से आपको और उस टाइम पे कितना खर्चा आता था? इसलिए कि आप जैसे हम लोगों को बैकएंड सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आप काफ़ी दिन से मतलब कि सिंगिंग लाइन में, फिलहाल तकरीबन 3-4 साल से आप सिंगिंग लाइन में हैं, तो जिस टाइम पे आपका पहला गाना आप रिकॉर्ड करने के लिए गए थे सीतामढ़ी के स्टूडियो में, तो उस टाइम पे आपका कितना का बजट लगा हुआ था उस टाइम पे? बात ये था कि मतलब हम अपना वहाँ पे काम पकड़े, उसके बाद ही वहाँ कोई बजट वजट का काम नहीं था, हम वहाँ काम करते थे। अच्छा, तो मैंने पहले आपने स्टूडियो में काम करना शुरू किया, तो काम आपका क्या था, स्टूडियो में क्या काम करते थे? टेक का काम करते हैं, अभी भी करते हैं।
अच्छा, तो जो लोग जैसे चलिए हम तो जानते हैं कि ट्रैक क्या चीज़ होता है, लेकिन जो चीज़ जो लोग नहीं जानते उनको अगर शॉर्टली में आप बताना चाहेंगे ट्रैक का काम क्या होता है, जो कि बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक भी समझ सकते हैं, लेकिन ट्रैक का जो मेन मतलब है वो क्या चीज़ होता है, संगीत लाइन में ट्रैक किसको कहते हैं? मैं मतलब यही हुआ कि जो म्यूजिक होता है जिसको डीजे ट्रैक बोला जाता है, जिससे हम लोग गाना रिकॉर्ड करता है उसका उसको बोला जाता है ट्रैक। बिल्कुल, जैसे हमारे कैमरामैन हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारे जो सिंगर जो हमारे संजीत सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको उनके तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, इसलिए कि देखिए हमारे तो हम जैसे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग देखते ही रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन जो हमारे संजीत जी हैं, तो चलिए सबसे पहले आपका जो गाना रिकॉर्ड हुआ था, जैसे आपने वहाँ पर काम करना शुरू किया, काम करने के बाद आपने वहाँ पर सबसे पहला जो गाना था वो गाना आपका कौन सी लैंग्वेज में आपने गाना गाया था? वो लैंग्वेज था, वहाँ से शुरुआत किए थे हम लोग, भोजपुरी से ही शुरुआत किए थे पहले, तो वहाँ से शुरुआत किए, भोजपुरी था बहुत, काफ़ी दिन हो गया, करीब 5-6 साल हो गए वहाँ से शुरुआत किए हुआ, तो उसको गाना का बोल है बुलंद सुनाना चाहते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ मैं थोड़ा इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि भोजपुरी के लिए आपने गाना गाया, तो जैसे आपका स्पेशली लैंग्वेज जो है स्पेशली लैंग्वेज मैथिली आता है, तो आप लोग मैथिली में क्यों नहीं गाना शुरू किए? उस समय में हमको उतना अनुभव नहीं था, उस समय में इतना नहीं मैथिली में कोई काम कर रहा था, तो हम लोग सोचे कि भोजपुरी से स्टार्ट करें, तो वहाँ से स्टार्ट किए, फिर तुरंत हम दो चार ही ज़्यादा नहीं किए भोजपुरी, उसके बाद हम मैथिली में। तो सबसे पहला गाना कौन सा था, मैं चाहूँगा हमारे जो भी दर्शक हैं उनको एक बार अपना मुखड़ा बताना चाहेंगे उस गाने का। जरूर, सबसे पहला वो तो गाना था इसका, वो मतलब सरस्वती जी का गाना था, फर्स्ट गाना सरस्वती जी का मेरा। क्या बात है, सरस्वती मैया जिनका वरदान है ऑलरेडी सभी सिंगर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सभी के ऊपर, अब जितने भी ऑफिशियल लेवल पे भी काम करते हैं उनके ऊपर जो है, जैसे आप हमारे पीछे में देख भी पा रहे होंगे कि सरस्वती माता का फोटो भी लगा हुआ है, तो वहाँ से उनका आशीर्वाद और उन्हीं के लिए गाना इन्होंने पहला गाना दिया, तो चलिए आप थोड़ा सा मुखड़ा उसको बता दीजिए। तो उसका पंच लाइन हम सुनाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है, तो वो सॉन्ग भी अभी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई दिन में, दूसरे का यूट्यूब चैनल पे था। हमार मैया हो हमार मैया, अली हम सबके सवार कके मोर मैया, इसी टाइप का सॉन्ग है, तो आप मिल जाते हैं। चलिए, जैसे आप मैं बताना चाहूँगा कि इनका गाना था हमार मैया हो हमार मैया, तो अगर जैसे जो कुछ भी है आप इसको अगर सर्च करेंगे हमार मैया हो हमार मैया, अगर आप संजीत सैनी के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको जाकर के ये गाना मिलेगा भी, और हो सकता है बहुत सारे कई बार कॉपीराइट इशू रहता है, तो कई बार उस चीज़ को डिलीट भी किया जाता है। बोले तो आपको कीजिए, करीब 5-6 साल हो गए। अच्छा, 5-6 साल पहले आपने गाया था, तो उसके बाद का जो भी के हवाले हम नहीं कह सकते आज़ाद यहाँ पे आपको ऐसे मिलने के लिए आए, तो हम लोगों को पता चला कि ये जो आपका स्टूडियो है वो आपके बड़े भाई इस चीज़ के ऑनर है, तो फिर आपका फिर ये प्लान कहाँ से बना कि नहीं हमें इस चीज़ के बाद हम अपने खुद के घर में स्टूडियो डालते हैं, इसलिए जैसे आपने बताया कि हमारे घर में आर्थिक तंगी भी था पहले, उसके बाद हम पहले स्टूडियो में जाते हैं काम करें वहाँ पे, फिर काम किया वहाँ से आपने गाना का शुरू किया, तो आपने बड़े भाई से बातचीत किया, तो फिर क्या लग रहा है बड़े भाई ने बताया कि चलो ठीक है अपना स्टूडियो डालते हैं? सबका विचार से हुआ, मतलब हम जाते थे इसी, तो सब आदमी, मेरा मोबाइल दुकान चलता था उस समय में बस एक छोटे, और डीजे भी चलाते थे, तो मतलब सब आदमी सोचे कि जब मतलब वहाँ जाते हैं तो उससे अच्छा कि अपने कर लिया जाए। अच्छा, जिन तीन चार भाई थे हम लोग सोचे कि मतलब अपने काम करेंगे सब आदमी, अपना भी काम होता रहेगा तो अपने अपना वो भी होगा, तो अपने वहीं बस 2018 में चालू किया था अपने किया था बस। अच्छा, तो बस एक जो एक मार्केट है आप लोगों का, तो चलिए बस एक जैसे ये बता रहे हैं कि मार्केट है और वहाँ से इन्होंने चैनल पे लिखा हुआ है MRS म्यूजिक बसेट, इसी नाम से चलता है। अच्छा, ये जो अपना कंपनी है उसका यूट्यूब चैनल MRS म्यूजिक बसेट करके, चलिए बहुत अच्छी बात है, जैसे आप लोग अगर इनके जो भी गाने आते हैं, अभी बहुत सारे गाने इनका वायरल भी रहता है MRS म्यूजिक के चैनल से भी, और बहुत सारे इनके ऑलरेडी म्यूजिक से चैनल चलते हैं जहाँ से कि इनका बहुत सारा गाना वायरल में जाता है, तो अभी जैसे उसके बाद आपका शुरू हुआ, तो आपका अपना स्टूडियो में जब आपने स्टूडियो ओपन किया तो आपका फीलिंग क्या था उस टाइम पे, क्या सोच रहे थे कि आगे कितना तक का सफ़र जाएगा, इसलिए कि आप एक समय था जो कि आप बिहार से आपने शुरू किया, उसके बाद आप दिल्ली तक का सफ़र, अभी फिलहाल में हम दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली के स्टूडियो में। वही अपना काम करते गए तो काम के हिसाब से मिला, जो भी अच्छा रिस्पॉन्स देते थे तो फिर आगे मन हुआ कि ना काम करना चाहिए, इसी तरीके से करते गए। अच्छा, तो संजीत सैनी का सबसे पहला गाना कौन सा था जहाँ से कि लगा कि संजीत सैनी की नहीं है, कुछ लोग अब हमें भी जानना शुरू कर चुके, तो संजीत सैनी का सबसे पहला गाना? उसके बाद हद करके मैं मेरा और धर्मेंद्र निर्मलिया के साथ हुआ था, माँ गायत्री म्यूजिक का भी। अच्छा,
धर्मेंद्र निर्मलिया के साथ तो। अच्छा, वो भी आप ही की लैंग्वेज के लिए गाते हैं जी? मतलब वो भी तो नृत्य का पावर स्टार बोले जाते हैं, तो उनके साथ था मेरा एक सॉन्ग विश्वकर्मा जी के बाद। अच्छा, जो काफ़ी अच्छा प्यारा आशीर्वाद उसका मिला था, बजा था, तो उसके बाद से हमें कुछ हुआ कि ना हम भी कुछ कर सकते हैं, तो उससे लगे हुए। मतलब कि संजीव सैनी को अगर जो पहचान मिली वो विश्वकर्मा जी का गाने के बाद, वहाँ से पहचान मिली? तो पहचान नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब पर भी हौसला हमें बढ़ा कि ना हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आप देखिए कोई भी कदम को आप जब मंजिल की तरफ चलना शुरू करते हैं तो पहले कदम से आप धीरे धीरे मंजिल के करीब आते जाते हैं, और उसी चीज़ का कहीं ना कहीं देन है जो कि आज आप बिहार से चल करके कहीं ना कहीं आज दिल्ली के स्टूडियो में भी बैठे, आज दिल्ली में भी आप अपना खुद का सेटअप डाल चुके हैं। तो चलिए मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा और हंसते उसमें, जैसे कि आपके लाइफ में जैसे सिंगिंग लाइन से, तो आप कहीं पर सिंगिंग सीखते हैं या फिर वैसे माँ आशीर्वाद है माता और उसी हिसाब से गाते चले? सब माता रानी का देन, आज तक कहीं नहीं सीखे, बस अपने से करते गए सब चीज़, शुरू से प्रेरित बना है, तो बनाते बनाते सब माता रानी का देन, कहीं से खुला। और आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो कि सबसे ज़्यादा वायरल रहा हो? अभी फिलहाल में अभी चल रहा है भेले बेवफा सन, भेले बेवफा सन, भेले बेवफा सन। अच्छा, भेले बेवफा सन। अच्छा, तो इनका लैंग्वेज है इसलिए कि थोड़ा सा होता है कि कई बार जो इनका स्पेशली लैंग्वेज है, लेकिन देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरा मेन मकसद रहता है हमारा थिंग्स अप टीवी की, कि जो भी हमारे किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, कोशिश करते हैं कि हम लोग हिंदी में उनको लेके आए, और आप जितने भी हमारे देशवासी हैं, जितने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से देखते हैं थिंग्स अप टीवी के माध्यम से, तो उन नमस्कार, मैं एंकर राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले तो जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि जो आपका सबसे जो पहला गाना था जो कि वायरल हुआ, और वो ऐसा कौन सा गाना था जो कि आपको लगा कि नहीं यार ये अच्छा गाना है और सभी लोगों के दिल तक पहुँचा है? बार बार इसलिए कि संगीत का अर्थ है कि दिल तक पहुँचना, और दिल तक जो पहुँचा वो सबसे पहला ऐसा कौन सा गाना था आपका आवाज़? सबसे पहला तो नहीं बोले जाएंगे, उसके बाद ही बहुत सारे रन करने के बाद जो आया था मार्केट में बजा छोड़, जिसका लोग आपको सुनाना चाह रहा हूँ। छोड़ा हो बाबा हाथी सवारी, छोड़ा हो बाबा हाथी सवारी, जल्दी से लो लेना मोटर गाड़ी, चौधरी के अब तू सफारी से, पंडित बजेबो पूजा करेबो, फूल मंगेबो फूल बहारी से, हाँ पंडित बजेबो पूजा करेबो, फूल मंगेबो फूल बहारी से। अच्छा, जैसे देखिए माँ गायत्री म्यूजिक चैनल पे चला हुआ है ये, माँ गायत्री म्यूजिक पे आप लोग अभी भी जाएंगे तो इस गाने को सुनने को मिलेगा, संजीव सैनी जी और धर्मेंद्र निर्मलिया जी जैसे बता रहे थे उनकी आवाज में मिलेगा। अच्छा, तो इसी जैसे आप इसके बाद एक और आपका गाना वायरल हुआ जो कि दर्द भरा सॉन्ग, हम जैसे जैसे हम लोग आए हुए थे तो दर्द भरा सॉन्ग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है कि जैसे देखिए ऐसे तो मैं डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जो भी इनके गाने हिट हैं, और आपका एक गाना जो सबसे उसमें रहा हो, टॉप ट्रेंडिंग में रहा हो, वो ऐसा गाना सुनाना चाहता है, उसका टाइटल उसका है। अच्छा, जैसे चलिए ठीक है, जैसे भैले बेवो, तो हम कैमरा मैन से चाहेंगे कि थोड़ा इसी को जूम करेंगे हमारे साथ में, जैसे आप डेस्कटॉप पे भी देख पा रहे होंगे उनके जो थीम लगा हुआ है यहाँ पे तो थंबनेल आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भैले बेवफा सनम, क्या बात है, आपने जो आपके डिजाइन है थंबनेल का वो भी काफ़ी अच्छा है बेवफा सनम का, तो उसके चलिए एक चाहूँगा कि मैं उसका लाइन थोड़ा आप बुझा दीजिए। ये भेले बेवफा सनम, छोइरा के ससुरा चैला गेलही, ये भेले बेवफा सनम, एक छोइरा के ससुरा चैला गेलही, ये अपना जनुआ के साथ छोड़ देलही, आ सब किहरिया कसम तू भूलेलही, किया दिलबा में दई देले गम, छोइरा के ससुरा चैला गेलही, गे भेले बेवफा सनम, एक छोइरा के ससुरा चैला गेलही, गे भेले बेवफा सनम, छोइरा के ससुरा चैला गेलही, गे भेले बेवफा सनम, छोइरा के
अच्छा इसके जो राइटर है, राइटर आपने खुद इस गाने को लिखा हुआ है या फिर आपके राइटर को आया तो मेरे मन में ही, लेकिन इसको फिर राइटर को हमने दिए तो सानी जी इसको पूरा। अच्छा सानी जी राइटर, मतलब कि एक राइटर जो होता है उस गाने को सजाने का काम, वर्ड सिलेक्शन होता है, वो सब राइटर का काम होता है। चलिए आपने अपना बेशकीमती टाइम निकाला उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप ऐसे हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और हमारे साथ साथ हमारे जितने भी कलाकार हैं जो भी हम जिनको इंटरव्यू में लेके आते हैं और आप लोगों से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आप देख रहे थे अभी हमारे साथ थिंकसअप टीवी और फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।